है गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और अभी है हम लोग अपने फ्लैट में ही, और अभी हम रेडी हो चुके हैं। मैं बैग वैग रेडी कर लिया हूँ, वहाँ गाड़ी मेरे सामने लगी हुई है और सबको हम लोग रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं आज ओल्ड गोवा की तरफ, और अंजुना बीच जाएंगे और फोर्ट देखेंगे, चर्चेज़ है ओल्ड चर्चेज वहाँ विज़िट करेंगे आज हम लोग। और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं आज फेमस दबागा बीच, जो आज इवनिंग को जाएंगे। तो जर्नी अब स्टार्ट होने वाली है। सबको हम लोग सामान अंदर रख चुके हैं, मेरा भतीजा भी आ गया है और यहाँ बाबू भी सब रेडी हो गया है सब कोई। तो अब गाड़ी से निकलेंगे, अब स्टार्ट करते हैं जर्नी बागा बीच की ओर, यानी ओल्ड गोवा की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अभी फिलहाल हम लोग आए हैं मछली मार्केट, क्योंकि गोवा में आए और फिश मार्केट ना विजिट किया ऐसा हो सकता है। तो अभी फिश मार्केट आए हैं और बहुत ही वैरायटीज का फिश है यहाँ पे, तो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ का, जो हम कोलकाता में नहीं देखा हूँ, बट बाकी सी बीच एरिया में जितना भी है वहाँ पे दिखता है। आप लोग भी थोड़ा देखे, हम लोगों ने लिया है पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल भरेंगे और इसके बाद जर्नी होगा सर। और ये गाड़ी में बच्चे लोग भी बैठ गए हैं, यहाँ पे सभी कोई है। और ये रहा गोवा का पेट्रोल पंप, और पीछे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, पहाड़ है पीछे में। पेट्रोल भरा के निकल रहे हैं। यहाँ पे क्या रेट चल रहा है? सो 95, यहाँ पे जो रेट है वो है 95.97 ना। ओके, ऑलमोस्ट कोलकाता से बहुत ही कम है, हमारे कोलकाता में 106 है, पर यहाँ पे 95.97 प्राइस है। तो हमने टैंक फुल करा लिया है, क्योंकि आज बागा जाएंगे, बहुत जगह जाना है आज, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। तो बस पेट्रोल भरा लिए, अब निकलते हैं ओल्ड गोवा की तरफ। सो फाइनली पहुंच गए हम लोग ओल्ड गोवा सेफली, और मैंने अपना गाड़ी पार्किंग किया है इस वाले वाइट वाले बस के पीछे। और अभी आ गए हम लोग ओल्ड गोवा चर्च, तो ठीक मेरे पीछे है, ये रहा वो चर्च। यहाँ से होता है एंट्री, एंट्री करके अंदर घुसेंगे।
सो गाइस आप लोगों को कैसा लगा ड्रोन शॉट? आई होप आपको ड्रोन शॉट आई मीन सिनेमैटिक शॉट बहुत अच्छा लगा होगा। और ऐसे भी अभी 25 दिसंबर के बाद अभी अंदर में चर्च के अंदर अलाउ कर रहा है जाने के लिए, और मैंने अंदर में जाके भी वीडियो लिया। जहाँ जहाँ अलाउड नहीं था वहाँ पे मैं नहीं ले पाया, बट फाइनली जो जो अलाउड हुआ मैंने उसको कवर अप किया है। और यहाँ से हम निकल रहे हैं, हम लोग ये ओल्ड चर्च से निकल के अब जा रहे हैं पार्किंग लॉट पे। उसके बाद फिर अभी कहाँ जाना है नेक्स्ट, मैं जाते वक्त ही बताऊँगा मैं कहाँ पहुँचा हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे पता नहीं है, मैं यहाँ निकलता हूँ उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। और चर्च जो है वो काफ़ी पुराना है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको लगेगा कि आप बहुत ओल्ड वाले चर्च में आए। और एक मैं बहुत पहले गेम खेलता था प्रिंस ऑफ पर्सिया बोल के, वो वाली फीलिंग एक जनरेट हो जाती है। अगर इस बात पे आप एग्री करते हो तो आप लोग भी पता होगा मैं क्या बोलने मांग रहा हूँ, कि जो लोग भी प्रिंस ऑफ पर्सिया गेम खेले उनको पता चल जाता है कि वो ये चर्च कितना मिलता जुलता है। तो ये चर्च में यही सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप ओल्ड चर्च को घूम सकते हो। सचमुच ओल्ड गोवा ओल्ड चर्च से ही बिलोंग करता है, बहुत ही खूबसूरत है ये। तो अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं पार्किंग लॉट के, और जैसे यहाँ से निकलेंगे जहाँ पहुँचेंगे मैं आपको अपडेट कर दूँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और रियली अमेजिंग प्लेस, मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप लोग भी यहाँ पे आए और ये चर्च को ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर विज़िट करें। चलिए यहाँ से निकलते हैं और मिलता हूँ थोड़ी देर में आप लोग को। ये रहा हमारा गाड़ी, अब यहाँ से निकल रहे हैं पार्किंग लॉट से, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब यहाँ से निकलते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ओल्ड चर्च से निकल के हम लोग पहुंच गए पंजीम में अभी, और पंजीम बस स्टैंड मेरे पीछे, और ये है पार्क, और हम लोग अपना गाड़ी यहाँ पार्क कर लिया है। अब जा रहे हैं हम लोग पार्क के अंदर में। अभी का जो सीन है वो है कि हम लोग ने घर से ही सुबह में मार्केटिंग किया था, फिश मार्केटिंग किया था। तो हम लोग ने घर में ही फिश चिकन और चावल बना के, और अभी हम लोग फ़िलहाल अंदर जा रहे हैं पिकनिक स्पॉट में एक बैठेंगे। और हम लोग का आज जो बेसिकली लंच होगा वो हम लोग लंच अंदर ही करने वाले हैं। तो ये रहा इसका गेट, ये गेट रहा, और गेट से अंदर जाएंगे और अंदर जाके खाने का जो है वो खाएंगे। और स्पॉट बेसिकली अच्छा इसलिए है, हम लोग ने खाने का प्लान पिकनिक जैसा इसलिए किया क्योंकि गोवा में तो सभी को आके रेस्टोरेंट में या बीचेस में खाते हैं, पर हमारा प्लान था, हमारे पास फैसिलिटी था, घर था अपना, और फूड भी मार्केट में शॉपिंग भी था, और हम लोग को खाना बनाने भी मुझे भी आता है, सभी को आता। तो हम लोग ने खाना सुबह बनाया और पैकिंग करके हम लोग एक पिकनिक के एक मेमोरीज़ के लिए हमेशा यादगार रहेगा कि हम लोग भी गोवा में आके खुद का खाना बना के हम लोग खाए। और हम लोग ने सिटिंग एरिया यहाँ बनाया है मैट लगा के, बच्चे लोग भी बैठ गए, सबको बैठ गए हैं, सब यहाँ भी जाइए बैठे हुए हैं, हमें यहाँ बैठा हुआ हूँ। और पार्क काफ़ी क्लीन और काफ़ी खूबसूरत है गाइस, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये फ्लाईओवर है, ये रहा वो फ्लाईओवर, और यहाँ है आपका पंजीम बस स्टॉप, और ये पंजीम बस स्टॉप और पंजीम सिटी के बीच में ये पार्क है। ये पार्क में हम लोग ने अपना डेरा डाल दिया खाने के लिए। तो अब लंच करने जब बैठते हैं, लंच करने के बाद ही आप लोग से मिलूँगा मैं थोड़ी देर में। पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलता हूँ थोड़ी देर में। तब तक आप सिनेमैटिक शॉट इस पार्क का इंजॉय करें, छोटा सा है बट अच्छा लगेगा। गाइस फाइनली लंच हो गया कंप्लीट, और खाने में था चावल, प्रॉन और पॉम्परेट और चिकन कसा और सैलेड, जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो अब हम लोग ने लंच कर लिया है, अब हम लोग जाने वाले हैं फेमस एक चर्च जो हर एक मूवी में दिखाया गया है, जैसे कि
आपने आप बाजीराव सिंघम में भी देखा हो, आपने भी सिंघम मूवी में देखा हो, तो वहीं पर भी हम लोग जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और सभी के लिए और बहुत ही अच्छा जगह है वो, तो वहीं पर विजिट करेंगे। अब डायरेक्ट मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ उसी की तरफ में, गाड़ी पीछे लगी हुई है, गाड़ी निकालूंगा और मैं निकलूंगा यहाँ पे। चलिए चलता हूँ डायरेक्ट ऑन रोड पर।